फिर एक सांस, एक लंबी सांस छोड़ी, तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कैरोप्रैक्टिक के बारे में, किस प्रकार से ये इलाज होता है जो कि आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। आइए सर जो है यहाँ निक पे कुछ चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे? ये मतलब चेक किया जा रहा है कि कहीं कहाँ पे नरू दबी हुई है। अच्छा, तो ऐसे पता चल जाता है कि इनको कहाँ पे दिक्कत है, यानी कि हाथों से आप पता लगा लेते हैं। जी जी, देख सकते हैं जिस प्रकार से आप वीडियो में देखते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सर अभी कर रहे हैं। लूज रखना है, ऐसे लूज। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। इतना गर्दन एकदम टक टक आवाज किया आपका? नहीं, नहीं। आराम फील हो रहा है जी? इस पे लेट लीजिए। हाँ, आप उस पे लेट लीजिए। सर ऐसे करने में बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं, क्या पता मेरा गर्दन और टेढ़ा उड़ा हो जाए। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। हाँ। और बहुत अच्छा भी लगता है जिनको होता है उनके, मतलब उनको कोई दर्द नहीं होता है, लोग अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि वीडियो में जो लोग देखते हैं किस प्रकार से गर्दन को एकदम टक टक ऐसे डॉक्टर साहब जो घुमा देते हैं उससे कोई समस्या नहीं होता है। लाइव वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे इनको मैडम का दूसरा थेरेपी चालू हुआ है, सर जो है अभी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये दूसरा ट्रीटमेंट कौन सा कर रहे हैं सर? ये अब कमर का ट्रीटमेंट इनको देंगे। अच्छा, कमर का ट्रीटमेंट हो रहा जी। और ऐसे उंगलियों से क्या पहचान करते हैं सर? इसमें ये डिस्क को देखा जाता है कहां बल्ज हुआ है, जो वर्टिब्रा होती है, यानी पता लगाते हैं कहां पे पेन है। जी जी, हाथों से सर पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल जाता है। अच्छा, देख सकते हैं सर जो है अभी दूसरा ट्रीटमेंट कमर का कर रहे हैं। आप ये जब वीडियो देख रहे हैं घरों में देखते होंगे, आए दिन ये सब वीडियोस वायरल होते रहते हैं, और सर जो है हमें मिले और टाइम भी दिए और ये लाइव करके अपने पेशेंट को दिखा भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे चल रहा है ट्रीटमेंट। हाँ, कर दिया आपने? हाँ, अभी कुछ बाकी है। अच्छा अच्छा, आइए थोड़ा सा मैडम नीचे जाइए। एक पेशेंट में सर कितना वक्त लगता है? लगभग मान के चलिए 10 से 15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट लगता है। और ये जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है कितने बार आपके पास आना पड़ता है उनको? देखिए ऐसे देखा जाए तो निर्भर करता है कि कितनी ज़्यादा समस्या है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि समस्या 10 साल से है। हाँ। उनको लगभग 2-3 ट्रीटमेंट तो लगातार लेना पड़ता है, फिर उसके बाद महीने महीने पे एक बार बुलाते हैं, 5-6 बार 7 बार बुलाते हैं। यानी कितना साल भी पुराना दर्द है उसे आप ठीक कर देते हैं बिना दवाई के? देखिए अब 10 साल का दर्द है तो 10 दिन में तो ठीक होगा नहीं, मगर यह है कि आराम मिल जाता है और एक्सरसाइज करते रहें तो महीना 1.5 महीना 2 महीने में पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अच्छा, चलिए ये दूसरा हो गया, ये तीसरा थेरेपी सर दे रहे हैं इनको, और किस प्रकार से करते हैं आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं बाकायदा। ये भी है जो कि थर्ड पार्ट है इसका, कमर का। एक लंबी सांस लेना मैडम, छोड़िए, सर ऐसे दबाने से दर्द हुआ आपको? नहीं, दर्द नहीं होता इतना तेजी में डॉक्टर साहब दबाएंगे? नहीं, नहीं हुआ। चलिए आगे से दिखाइए, ये दो बार में होता है नहीं सर, एक लेफ्ट और एक राइट से? हाँ हाँ, एक बार उधर, एक बार इधर से। चलिए देख सकते हैं, कमर को बिल्कुल लूज रखना है, छोड़िए, सांस लेंगे, सर ये इससे क्या फायदा होता है पेशेंट्स को? इससे फायदा होता है पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जैसे इनकी कमर में नस दबी हुई है। अच्छा, तो अब लगभग लगभग ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट भी है। दूसरा ट्रीटमेंट है, ऊपर जाइए मैडम। देखिए ये जो प्रोसेस है करीबन, ये थेरेपी के लिए 10 से 15 मिनट वक्त लगता है, और ये उसके बाद उंगलियां हैं जो यहां से भी सर कुछ पकड़ते हैं इसको। अब देखिए ये है, यहां पे देख सकते हैं ऊंच नीच दिख रहा है। अब देखिए इसको सही करेंगे, अभी सही है, अब देखिए बराबर हो गया। मतलब एट ए रियल टाइम सर ये सब होता है नहीं? हो जाता है, जैसे क्या होता है ना कि ये बैड पोस्चर के कारण, जैसे गलत तरीके से बैठने के कारण ये समस्या होती है। जैसे मैडम अध्यापिका है तो हमें लगता है कि ज्यादा चेयर पे बैठती होंगी, यानी कि गलत तरीके बैठने के कारण ये सब बीमारियां जो है हो रही है ना सर? जी। कितना समय बैठती है कुर्सी पे सर? कुछ समय बैठते हैं, उसे अक्सर खड़ा होकर ही पढ़ाया जाता है। बैठते हैं तो दर्द वगैरह करता है कमर? बैठने पर नहीं, चलने पर दर्द। चलने पर जी। देख सकते हैं ये जो थेरेपी है ऑलमोस्ट डन है क्या सर?
ये जो थेरेपी आप कर रहे थे ऑलमोस्ट कितना कर चुके हैं अभी तक? कितना मतलब कितना परसेंट डन है 1% का? अब ये बताएंगे पेशेंट खुद बताएंगे कि कितना हमको आराम है और ये क्या है सर तौलियां जो लगा रहे हैं इससे क्या फायदा होता है? जो भी यहाँ से लेके नीचे से लेके मतलब लंबर स्पाइन से लेके सर्वाइकल स्पाइन तक जितनी भी नर्व दबी हैं सबकी सब खुल जाती हैं। हाँ यानी जितनी नसें हैं बॉडी के सब चालू हो जाता है ये खिंचाव करने से। अभी अभी देखिएगा यानी कि इनसे पूछिए कि कहाँ से नर्व खटखट खटखट कहाँ से बोला है? कहाँ से बोला है? जी यहाँ से, यहाँ से कमर के पीछे से, यहाँ से पूरा यहाँ तक। हाँ कैसा लग रहा है अभी? अभी तो हल्का महसूस हो रहा है। हल्का महसूस होने लगा? देख सकते हैं रियल टाइम रिव्यू में आपको दिखा रहा हूँ और ये उठ के बैठ जाइए। और अभी आपको कैसा लग रहा है? करीब 10 मिनट में आपका थेरेपी जो है खत्म हो गया। जी हमको आराम महसूस हो रहा है। आराम महसूस हो रहा है जी। हाँ करीब 2 सालों से आप पीड़ित थी जी। हाँ लेकिन 2 बार के आने में आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है जी। पहले जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाती थी उससे बेहतर लग रहा है जी। हाँ देख सकते हैं ये जो थेरेपी है इसका अगला पार्ट जो है डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और देखिए लेट जाना है पीछे। सर इससे क्या होता है? इससे होता है कि जैसे शोल्डर कभी कभी स्टिफ हो जाता है, खुल जाता है। यानी कहा जाए तो आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इससे पूरी शरीर की नसें जो है सर्कुलेट करती हैं। पूरे शरीर का जितने भी डैमेज नस है लगभग लगभग सब अपने जगह पे आ जाती है। सब जगह पे आ जाती है आपने जी। हाँ देख सकते हैं रियल टाइम में आपको दिखा रहा हूँ ट्रीटमेंट के साथ। क्योंकि बहुत सारे सर यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको यूट्यूब वगैरह पे देखते थे सोचते थे कि सर से मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? सर मिलेंगे कहाँ आप? ऐसे तो हम गोरखपुर भी रहते हैं, बनारस भी रहते हैं, आजमगढ़ भी रहते हैं। आप नंबर पे संपर्क करके कर सकते हैं। अगर बुरा ना माने तो वो नंबर सार्वजनिक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि खोजने लगेंगे कहाँ मिलेगा। तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो सार्वजनिक कर। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ नंबर है मेरा 9453334290 94533942490। यानी इस नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो उनका आप बुक कर देंगे? हाँ शेड्यूल बुक हो जाता है जी। कितने दिन का वेटिंग चलता है आपके यहाँ? लगभग 1 महीने का। 1 महीने का वेटिंग। इमरजेंसी में भी कोई सुविधा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि हम कल ही आके दिखवा लेते हैं। नहीं कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, उनको फोन करके आपके पास बुकिंग जो है कराना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ उसके बाद ही। अब बिहार में कब ला रहे हैं इसको? अभी तो चल रहा है यूपी में जी। बिहार में भी लाइए क्योंकि 2-3 जगह यूपी में चला रहे हैं। बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास आते हैं। आ जाते हैं आसानी से लोग यहाँ आ जाते हैं। बनारस का जो मेरा सेंटर है वहाँ पे बिहार से लोग आ जाते हैं, इजिली आ जाते हैं। इजिली आ जाते हैं। सर फी वो ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं जरा? बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम पैसा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। हमारी फी इतनी होती है जितने में आम आदमी भी हमको दे सकता है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं। इसकी फीस ऐसे देखा जाए तो 5,000-10,000 लोग लेते हैं, मगर हमारे यहाँ केवल 1500 रुपये फीस। केवल 1500 जी। इसमें हम लोग ये फीस नहीं होता है जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट चार्ज होता है, फीस का कोई चार्ज नहीं है। 10-15 मिनट का आपने ट्रीटमेंट अभी दिया बस उसी का चार्ज है जी, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो कि गरीब लोग भी देखते हैं वीडियोस हमें वगैरह हमारे, सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे कितने पैसे वगैरह लगे हैं, इसलिए हम सोचे क्लेरिफाई कर देते हैं, ऐसे पूछना नहीं चाहिए हमें। तो आप आ सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको दवाइयाँ वगैरह नहीं खरीदनी है, नहीं खानी है, आपको जाँच नहीं करवाना है। बहुत सारे लोग सर डरते हैं आए दिन आने से कि प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो लंबी लंबी दवाइयाँ लिख देते हैं, जाँच लिख देते हैं। मेरे यहाँ कोई दवा नहीं चलती, मतलब दिया जाता है, दवा वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। तो आप आके दर्द का अपना जितने भी समस्याएं हैं उसको ठीक करा सकते हैं। सर का नंबर मैंने सार्वजनिक कर दिया है, तो आप कॉल कीजिए, अपना बुक कर लीजिए, सर के पास आइए मिलिए। क्योंकि यही सर है, लगातार वायरल होते हैं पूरे देश में, इनका वीडियो पूरा वायरल होते रहता है, आए दिन इनका वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो हम सोचे आपको मिलाते हैं। फिजियोथेरेपी है जो कैरोप्रेटिक, एक दूसरा लेवल हो गया ना सर फिजियोथेरेपी का, तो ये दूसरा लेवल भी मैंने आपको दिखाया। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, सर का ट्रीटमेंट कैसा लगा ये भी कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे थ्रू आते हैं तो सर जरूर डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी। तो चलिए हमारे थ्रू आएंगे तो आपको